तुला राशि वालों, बुधवार का दिन 6 सितंबर, आज सर्वसिद्धि योग है। चंद्रमा शुक्र के घर में गोचर कर रहा है। शुक्र जो आपके लग्न का स्वामी है, आज कृतिका नक्षत्र का सूर्य और रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा, आज आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा का प्रभाव है। सूर्य आपके लाभ स्थान का स्वामी है, चंद्रमा आपके कर्म स्थान का स्वामी है। आज पराक्रमी, तेजस्वी और बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाला आपका जीवन होगा। अपने कर्म से सफलता, भाग्य से सुख, भाग्य की बुलंदी से कार्य में तरक्की का योग बन रहा है। आज का दिन विशेष करके आपको भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि आज ढेर सारी खुशखबरी आपके जीवन में प्राप्त होने वाली है। आज आपकी कुंडली के लग्न के ऊपर केतु का गोचर है, जबकि चंद्रमा जिसके प्रभाव से शुक्र प्रभावित हो रहा है, शुक्र आपकी कुंडली के कर्म स्थान में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी कुंडली के लाभ स्थान में सूर्य और बुध की युक्ति है। द्वादश भाव में मंगल का गोचर है। आपकी कुंडली का सप्तम भाव आज राहु और बृहस्पति से प्रभावित है। शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। आज सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से आपकी इच्छा पूरी होगी। वैभवशाली योग है जो बाधा को दूर करता है, किस्मत को चमकाता है, जीवन में एक नई शुरुआत होती है और भाग्य का दरवाजा भी खुलता है। ये समय आपको बड़ा भाग्यशाली बना रहा है, जो नौकरी कारोबार में धन का लाभ देगा। स्टूडेंट के जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास आपकी परेशानी को दूर करेगा और आपके जीवन में मेहनत का फल आप प्राप्त करेंगे। आपके कार्य की सिद्धि होगी, आप बड़े भाग्यशाली होंगे। बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला आज सूर्य चंद्रमा का प्रभाव शनि बुध की दृष्टि से आप बड़े भाग्यशाली हो रहे हैं। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। बुधवार का दिन 6 सितंबर, आज भाद्रपद माह है, किस पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:27 तक, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगा। सर्वसिद्धि योग है। चंद्रमा जो कि शुक्र के घर में गोचर कर रहा है, कृतिका नक्षत्र 9:20 तक सूर्य स्वामी होगा, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव होगा। आज आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव राहु की छाया, शनि और बुध की दृष्टि है। आज का दिन बेहद शुभ दिन है, क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आज 3:27 के बाद शुभ संयोग बनेगा, जिसमें जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने का आशीर्वाद दे आपकी जीवन में शुभ फल लेकर आएगा। जन्माष्टमी के दिन शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें सूर्य चंद्रमा का प्रभाव है, शनि और बुध की दृष्टि है। आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, बहुत तरक्की होगी, इच्छा आपकी पूर्ण होगी। ये समय आपकी जीवन की दशा को सुधारने वाला समय है। ये समय आपकी जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला समय है। बड़े बदलाव के साथ आपकी जीवन में दुख दूर होंगे, विजय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी इच्छा प्रबल होगी, आपके परिवार में खुशी और जीवन में सुख की प्राप्ति होगी।
कृतिका नक्षत्र का सूर्य और रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा आपके लिए लाभ लेकर आया है। आज का दिन शोहरत इज्जत के साथ धन संपत्ति बढ़ेगा, जोश इच्छा शक्ति पराक्रम सामर्थ्य जागृत होगा, सफलता आप पाएंगे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति तरक्की करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके लिए लाभ तरक्की सौभाग्य का योग बन रहा है। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जन्माष्टमी का त्यौहार है, आप कृष्ण भगवान को मक्खन मिश्री तुलसी का भोग लगाएं, आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आप उत्साही होंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी में तरक्की देखने को मिलेगी, गृहस्थ जीवन का सुख मिलेगा, भाग्य और कर्म से बड़ा प्रभावशाली जीवन होगा, शानदार दिन है, आत्मविश्वास से आप काम करें, आपके लिए तरक्की लाभ संपत्ति उन्नति ये समय आपके लिए शुभ है, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा सुख पाएंगे, आज आप भाग्य के धनी भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं। आज का दिन भाग्य आपका प्रबलता से साथ देगा, जिससे जीवन में खुशी बढ़ेगी, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, मुश्किल आपकी दूर होगी, परिस्थिति आपकी जीवन की बदलेगी, आपकी जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, ये समय मजबूत इरादा लेकर आगे बढ़ने का समय है, बहुत सारी कामयाबी सफलता जीवन का आनंद आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि और बुध की दृष्टि है, आपके लिए आज का दिन सुख की कामना से जो भी काम करेंगे आनंद और सुख की प्राप्ति होगी, खुशियों से भरा भाग्योदय करने वाला, किस्मत को चमकाने वाला, आपको यशस्वी तेजस्वी बनाने वाला आज का दिन मनचाहा परिणाम देगा। चिंता छोड़कर अपने काम पर लग जाएं, ये समय धन वैभव लेकर आया है, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, लाभ सौभाग्य का अवसर प्राप्त होगा। ये जो समय है कुल परंपरा मर्यादा मान सम्मान को बढ़ाने वाला समय है, साहस पराक्रम से उन्नति धनदायक समय है, इच्छा शक्ति को जगाने वाला, अधूरे काम को पूरा करने वाला, संतान का सुख है और जीवन में लोकप्रियता सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आज का दिन खुशी भी महसूस करेंगे, विजय भी प्राप्त करेंगे, बेहतर समय बेहतर अवसर लेकर आया है, जो बाधा रही थे वैभवशाली जीवन देगा। आज का दिन आपके लिए लाभ सौभाग्य लेकर आया है, आज का दिन तरक्की उन्नति भरा है, आज का दिन सुख समृद्धि सौभाग्य का दिन है, यानी कष्ट बाधा से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा, सर्वासिद्धि योग भी है, पूरे दिन सर्वासिद्धि योग है, यानी आपके काम की प्रशंसा होगी, आपकी स्थिति बदलेगी, आपके जीवन में लाभ तरक्की होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा, प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, तृतीय चरण का स्वामी बुध है, चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है, यानी परिश्रम का फल, समृद्ध होकर जीवन में प्रतिष्ठा और सुख, धन वैभव का बढ़ना, ऐसे समय में भाग्य आपके चमकते हैं। इस समय शुक्र मार्गी होकर गोचर कर रहा है, जो आपके भाग्य को बदलेगा, शुभ और भाग्यशाली योग बना रहा है, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, अत्यंत सुखद फल की प्राप्ति होगी। आज का दिन बेहतर दिन है, भाग्यशाली योग है, जो आपकी महत्वाकांक्षा आपकी इच्छा को पूरा करेगा, स्वाभिमान को बढ़ाएगा, सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और आपके जीवन में तरक्की और भाग्य की बुलंदी पर आप पहुंचेंगे। बेहतर समय लाभ का योग सौभाग्य का योग, जीवन में बेशुमार धन अपार सफलता पाने का योग, क्योंकि आज आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रबलता से आपके भाग्य को चमका रहा है।
शनि और बुध की दृष्टि से जीवन में लाभ और सौभाग्य का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज राहु काल 12:19 से 3:54 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर येलो है, लकी नंबर 5 है। ब्रह्म मुहूर्त शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 पर आरंभ होगा। अमृत काल 6:54, रवि योग 6:01, सर्वा सिद्धि योग पूरे दिन आपके लिए लाभ का अवसर लेकर आएगा और विजय मुहूर्त 2:25 के बाद जीवन में सुख है और तरक्की बढ़ने लगेगी। आज का दिन भाग्यशाली दिन है। व्यापार में नौकरी में लाभ होगा और स्टूडेंट के जीवन में भाग्य का द्वार खुलेगा। आपके लिए सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, सरप्राइज और खुशनुमा माहौल, भरपूर सफलता और जीवन में लाभ का अवसर लेकर आएगा। तो आज का दिन भाग्यशाली दिन है, सौभाग्यशाली योग है। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जन्माष्टमी का त्यौहार आज के दिन ही मनाया जाएगा, जो आपके लिए शुभ है, जो आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री